प्रभु आपको आशीष दे। आज हम खुदा के घर में हैं और हम प्रभु के वचन में से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जानी पहचानी घटना है जब प्रभु के दूत स्वर्ग दूतों के पास आए थे। लूका 2 अध्याय उसके 8वें वचन से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनिए। यहां लिखा है, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ देखोगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरिये ने आपस में कहा आओ हम बैतलहम चलकर ये जो बात हुई है जिसके बारे में प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़े देखा। इन्हें देखकर उन्होंने ये बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर देखकर परमेश्वर को महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया, आपकी आवाज आनी चाहिए, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। जो हमने खुदा के कलाम से इस हिस्से को पढ़ा है, इसको मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा। अभी मैं जब प्रभु के वचन से आपके साथ बातें करूंगा, अभी मैं गडरियों के बारे में बात करूंगा, और कल जो है वो स्वर्गदूतों के बारे में जो उन्होंने वर्शिप की है, और शाम की जो मीटिंग है उसमें भी मैं यही आपसे बात करूंगा। तो हम थोड़ा गडरियों के बारे में देखेंगे। हम गडरियों को ऐसे जानते हैं ना, ऐसे ही है गडरिये, ना उनकी कोई पर्सनैलिटी है, ना उनके पास पैंट कोट है, वो तो बेचारे सिंपल सादे से होते हैं। लेकिन जो गडरियों के बीच में, उनके जीवन के बीच में जो काम हुआ है वो अद्भुत है। अब गडरियों के जीवन के बारे में मैं आपसे कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहूंगा। सबसे पहले जब हमने देखा है वचन 8 में लिखा हुआ है, कोई पढ़ेगा क्या लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। गडरियों को यहां हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, तो बोलो यार, बकरवाला ना। बकरवालों के पास जाना चाहोगे, उनके पास आपको रहकर खाना पड़े खाना खाओगे। जो गडरिये होते हैं, जहां भेड़ों को चराने वाले, जहां जिनके पास माल मवेशी होते हैं, उनके पास रहना खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा अनुभव है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। जब एवलांच हुआ था कश्मीर में तो मैंने 1 महीना उन लोगों के साथ बिताया हुआ है, मुझे पता है कि किस तरीके से उनके साथ रहा जाता है। लेकिन गडरियों के पास स्वर्गदूत आया, सबसे पहली बात जो है बहुत ही अद्भुत है। ये हम कल बात करेंगे कि गडरियों के पास स्वर्गदूत आए, लेकिन आज हम गडरियों के पर्सनल लाइफ के बारे में देखेंगे। लिखा है कि वो रात को मैदान में क्या कर रहे थे, अपने झुंडों की रखवाली कर रहे थे। उनके पास झुंड थे, झुंड क्या थे, उनके पास भेड़ बकरियां थी, उनके पास माल मवेशी थे, उनके पास रात को वो पहरा दे रहे थे। आप लोगों को शायद देखा होगा जब हम गीत गा रहे थे, ज्योति बहन जी गीत गा रहे थे, गडरिये रात सो रहे थे, तो मैं पहली लाइन में हंसा, फिर मैंने उसको बोला गडरिये
रात को पहरा दे रहे थे। मैंने गीत में चलते चलते बोला, वो सो नहीं रहे थे, वो पहरा दे रहे थे। हालेलुया, बहुत बढ़िया है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है ये, बहुत बढ़िया क्रिसमस के टाइम पर जो गाया जाने वाला गीत है, आया मसीह दुनिया में तू। लेकिन उस गीत में भी मैंने आज देखा कि वहां लिखा हुआ हम गा रहे हैं, कई सालों से गा रहे हैं कि गडरिये रात को सो रहे थे, लेकिन बाइबल क्या कहती है, वो क्या कर रहे थे, गडरिये जो है वो पहरा दे रहे थे अपने अपने झुंड की, वो रखवाली कर रहे थे, है ना। सबसे बढ़िया बात, बहुत अच्छा लगा। इसीलिए आज उनका नाम खुदा के कलाम में है, क्योंकि वो कुछ कर रहे थे। वेलिया खुदा भी पसंद नहीं करता, है ना। नहीं नहीं पास्टर, हम भी जागते हैं, हम रात को जागते हैं, हम फेसबुक पे जागते हैं, हम व्हाट्सएप पे जागते हैं, इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं। भैया अपने ग्रुप की, अपने झुंड की रखवाली कीजिए। फेसबुक आपको कुछ नहीं देगा, आप वीडियो गेम खेल रहे हैं आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप व्हाट्सएप पे रात को चैटिंग कर रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। आपके पास भी कोई झुंड होगा, कुछ ना कुछ तो है आपके पास, भेड़ बकरियों का झुंड नहीं, आपके पास कोई ना कोई झुंड है। आपके पास एक कलीसिया है, वो आपका झुंड है। आपके पास आपका परिवार है, वो आपका झुंड है। क्या हम रात को जाके अपने झुंड की रखवाली करते हैं? क्या ऐसी माएं हैं यहां पर जो रात को जागती हैं, बच्चे सो रहे हैं, तो वो अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए वो दुआ करती हैं? क्या कोई ऐसा पति है जो उसका उसका पूरा परिवार सो रहा है, उसके बच्चे सो रहे हैं, उसकी बीवी सो रही है, तो वो रात को उठ के अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं? नहीं नहीं पास, अब हम जागते हैं, हम जागते हैं घंटों घंटों, आधी रात को जागते हैं, दो दो ढाई ढाई बजे तक सोते हैं, लेकिन कर क्या रहे हो? चला तो फेसबुक ही रहे हो ना। फेसबुक कुछ देगी आपको? व्हाट्सएप देगा कुछ आपको? लेकिन वो गडरिये वो अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास भी झुंड है। झुंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रुप, है ना। हमारे पास भी ग्रुप है। सारी दुनिया के हम ग्रुप देख लेते हैं, लेकिन चर्च के ग्रुप को नहीं देखते। अपने चर्च के ग्रुप में क्या है? मैं कई बार बोलता हूं कि भाई पहले खुदा का वचन पढ़ा करो, और चर्च के ग्रुप में दिन में तीन चार बार जाके चाती मार लिया करो, शायद कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन होगी, कोई जरूरी प्रार्थना का विषय होगा, पास्टर जी ने कुछ बोला होगा, या कलीसिया वालों ने कुछ बोला होगा, किसी का कोई मैसेज आया होगा। लेकिन हम तो जी चर्च के ग्रुप को भी नहीं देखेंगे, वचन को भी नहीं देखेंगे, हम तो फेसबुक पे रहेंगे। जो अननोन लोग हैं, जिनको हम जानते नहीं है, वो हमारे रिश्तेदार भी नहीं है, हम उनको बर्थडे पे भी विश करते हैं, वो कुछ भी पोस्ट डालते हैं, उसी समय हम क्लिक करते हैं, वेरी नाइस लिखते हैं, लेकिन अपने परिवारों का हमें पता ही नहीं है। अपने रिश्तेदारों में कितने लोगों के जन्मदिन हम मिस कर देते हैं, कितने लोगों जो हमारे परिवार में दुख में है, तकलीफ में है, हम उनको मिस कर देते हैं, और हम लगे हुए हैं फेसबुक पे। गडरिये जो है वो अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। अपनों का सोचिए भाई, आप दूसरों का सोच रहे हो, व्हाट्सएप पे ही सोचते रहोगे, व्हाट्सएप पे आप उनका कोई भला नहीं कर पाओगे, जो आपको जानते नहीं है, लगे हुए फेसबुक पे। जानते हो आप उनको? बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन जिनको हम जानते हैं, जो हमारा अपना झुंड है, अपने झुंड की वो रखवाली कर रहे थे। इसीलिए आज उनका नाम खुदा के वचन में लिखा हुआ है। आज भी जो आप कुछ कर रहे हैं, बाइबल कहती है जो कुछ खुदा के लोग करते हैं उनके लिए यादगारी की एक पुस्तक लिखी जाती है। मलाकी की किताब उसके तीसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि कुछ लोग खुदा की बातें कर रहे थे और ये बात परमेश्वर को अच्छी लगी। परमेश्वर ध्यान धर के उनकी बातें सुन रहा था और वो सारी बातें यादगारी की पुस्तक में लिखी गई। फेसबुक पे नहीं है तो बुक है, लेकिन वो यादगारी की बुक है, यादगारी की बुक में लिखी जाएंगी। जब आप रात को उठ के अपने झुंड का पहरा देते हैं, अपने झुंड की रखवाली करते हैं, वो किससे रखवाली कर रहे थे बताइए, थोड़ा बोलिए, किस चीज से वो रखवाली कर रहे थे अपने झुंड की? वो रात को जाग रहे थे, पहरा दे रहे थे। क्यों 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 पहरा दे रहे थे? कि कोई भेड़िया ना आ जाए, उनकी बकरियों को ना खा ले, उनकी भेड़ों को कोई भेड़िया आके ना खा ले, कोई कुत्ता कोई दूसरा जंगली जानवर आके उनकी भेड़ बकरियों को ना खा ले। वो अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। क्या हम अपने झुंड की रखवाली करते हैं? हमारे पास खुदा ने कुछ ना कुछ तो हमें दिया है। ऐसा यहां पर कोई नहीं है जिसके पास कोई झुंड नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ खुदा ने दिया है।
वो रखवाली कर रहे थे। हमारा काम है कि हम अपने झुंड की रखवाली करें। हमारे पास परिवार है, हमारे पास कलीसिया है, हमारे पास समाज है, हमारे पास रिश्तेदार है, हमारे पास अपना देश है। देश के लिए दुआ करो, अपनी स्टेट के लिए दुआ करो, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए दुआ करो। बहुत अच्छी बात है, हमारी कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात की जिम्मेवारी ली हुई है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए दुआ करें। यहां पर भी है कुछ, है ना, मैं चाहूंगा ताली बजाएंगे उनके लिए। बबली बहन है, ज्योति है, यहाँ अंजलि है, और कौन है यहाँ पर जो चौकीदार बने हुए हैं कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए है। कोई यहाँ कुछ और भी बचे हैं, जवान बहने हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए वो सुबह ही या रात को ही दुआ करना शुरू करती है। हेलो चुप, दुआ करते हैं, लेकिन हम तो लगे हुए जी फेसबुक पे। चौकीदार है तो मैं क्या करूं, ज्योति चौकीदार है, मैंने कोई ठेका थोड़ी लिया है, बबली चौकीदार है, मैं थोड़ी ठेका लिया है। रात को उठ करके ये लोग जो है अपने देश के लिए, अपनी अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए दुआ करते हैं। डिस्ट्रिक्ट के लिए दुआ करते हैं कि देश के लिए भी, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी दुआ करते हैं नेचुरली, अपनी कलीसिया के लिए भी दुआ करते होंगे, पास्टर के लिए भी दुआ करते होंगे, क्योंकि आप लोगों ने ये सोचा है। लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप चलाने वाले, वीडियो गेम खेलने वाले, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो गडरिए थे वो रात को अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। हालेलुया। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, शॉर्ट में मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपका ध्यान जो है फिर थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। 15 में जब उनके पास स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूतों ने उनको बात बताई, स्वर्गदूत ने कहा तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है, दाऊद के नगर में जाओ, बैतलहम में जाओ, वहां तुम बच्चे को कपड़े में लपेटा, चरनी में पड़ा हुआ देखोगे। जब उन्होंने सारी बातें सुन ली, स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की वर्शिप की है, उसके बाद क्या हुआ है, 15 वचन को कोई पढ़िए प्लीज, पढ़ दीजिए कोई ना। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए, तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा आओ बैतलहम तक चले। ये बात जो हुई है जिसकी बात, जिस बात की खुदावन ने हमको खबर दी है, देखें बस यहाँ पर कुछ हुआ है। देखिए लिखा है जब स्वर्ग दूत उनके पास से चले गए तो उन्होंने एक शब्द कहा आओ हम। क्या कहा बोलो, क्या कहा आओ हम। आओ हम का क्या मतलब है, इसका मतलब टीम वर्क, आओ हम सब मिलके। नहेमिया के बारे में भी बहुत अच्छा लगता है, जब मैं नहेमिया की किताब को पढ़ता हूं, उसने कहा था आओ हम मिलके यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएंगे। ये जो गदरिए हैं ये बोल रहे हैं आओ हम बैतलहम को चले, ग्रुप की बात है, ये नहीं कि चलो एक को जना करो चल जे, ये पूरे परिवार की बात है, पूरे ग्रुप की बात है, टीम की बात है, ग्रुप भी नहीं बोलूंगा टीम, ये टीम वर्क है। अभी क्रिसमस का टाइम है, कल मैं देख रहा था हमारे बच्चों का जो टीम वर्क है, जब चर्च की डेकोरेशन चल रही थी मैं देख रहा था टीम वर्क, कल काम करेंगे देखना इनका टीम वर्क। एक टीम अभी हमारी और आने वाली है टलवास वाली, उनका अपना काम है टीम वर्क, अकेला किसी का काम नहीं है। कोई मत सोचे कि पास्टर का काम है, कोई ये मत सोचे कि ये तो वो करेगी ये वो करेगा, टीम वर्क है। उन्होंने कहा आओ हम मिलकर बैतलहम को चले और जो कुछ हमने सुना है हम जाके देखें। इसका क्या मतलब, जो कुछ आप सुनते हो कलीसिया में, सुनते हो बाइबल में, सुनते हो प्रभु का दास आपको सुनाता है, उसको देखें, जांचें, पड़ताल करें कि ऐसा है। पूरा हफ्ता आपके पास होता है, संडे को सुन लिया, फिर मंडे को, अगले मंडे जब अगले संडे आते हैं तो भूल चुके होते हैं क्या सुना था पिछले। जब मैं पूछता हूं कई बार तो एक दूसरे को देखते हैं क्या सुना था, भूल भी गए। पूरा हफ्ता उसके ऊपर जांच पड़ताल करें कि जो कुछ हमने सुना है वो बात सही है कि या नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, वचन 16 में लिखा है और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। देखिए ये शब्द के ऊपर लिखा उन्होंने तुरंत जाकर, तुरंत कब लिखा, जब स्वर्गदूत चले गए तो उन्होंने आपस में कहा आओ हम बैतलहम को चले। हालेलुया। बैतलहम वहां से दूर है, वो बाहर है, उन्होंने कहा हम बैतलहम को चले। कब वो पहरा कब दे रहे थे, थोड़ा बोलो जल्दी जल्दी, कब पहरा दे रहे थे, रात को, रात को, और रात को उनको ये सुसमाचार मिला है
कि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है, और वो रात को ही बोल रहे हैं आओ हम बैतलहम को चले, या सवेरे चलांगे, अर्धा अगड़ा सो जाए यार, है ना, ऐसे बोल देते ना, छाड़े यार परा क्या करना है। लिखा वो रात को ही, लिखा तुरंत जब स्वर्गदूत चले गए, उन्होंने आपसे में बात की और वो तुरंत चले गए रात को ही, नहीं यार सवेरे जावांगे, कौन जाए, ठंड बड़ी है यार, छड्डो परा इनी रात की पंगा पे यार, पास्टर है ना पे कर लेगा, है ना, उधर है ना यार वो कर लेंगे, हम तो सोएंगे, हम तो हीटर के सामने मजे से आग सेकेंगे ना, थोड़ा हीटर लगना चाहिए ना कि यार हीटर के सामने ठीक है बैठकर, बिस्तर में घुसना ठीक है सर्दी है, लेकिन वो रात को ही चले गए तुरंत, जैसे उनको पता चला कि ऐसी ऐसी बात है। गीत गालेंगे आओ बैतलहम वाले चलिए, भैया बैतलहम तो छोड़ो, गा तो बहुत बढ़िया रहे, चर्च तक आना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो तुरंत वहां से निकले, हालेलुया हालेलुया, लिखा तुरंत चले गए और जाके उन्होंने यीशु मसीह को देखा, फिर देखा नहीं, 17 इसमें क्या लिखा है, उन्हें देखकर लिखा है उन्होंने उस बात को देख, उस बालक के विषय में जो सुनी थी प्रकट की, जो उन्होंने सुना था अब वो जाके बता रहे हैं, देखिए ध्यान से लोगों को बता रहे हैं, लिखा जो उन्होंने सुना है वो जाके लोगों को बता रहे हैं। आप कलीसिया में जो सुनते हो इसीलिए आप सुनते हो, आपको सुसमाचार सुनाया गया है इसीलिए आपको सुसमाचार सुनाया गया है कि आप जाके दूसरे लोगों को बताओ। वो डरिए थे भैया, वो पादरी नहीं थे, वो किसी बाइबल स्कूल में नहीं गए थे ना उन्होंने कोई ट्रेनिंग की थी, लेकिन जितना उन्होंने सुना था उतना याद रखा और जाके लोगों को बता रहे हैं। फिर क्या हुआ जब लोगों को उन्होंने बताया है, लिखा है 18 आयत में, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरिया ने उसे कही आश्चर्य किया, सब लोग हैरान हो गए, जो गडरियों ने ये बातें सुनी थी, लोग सोचते हैं यार गडरियों को स्वर्गदूत दिखाई दिए, अहीं इन्हें रोजे रख ध्यान, तो कोई स्वर्गदूत नहीं दिखाई दिया, मैं तो दो दो घंटे दुआ करता हूं मुझे तो कभी स्वर्गदूत दिखाई नहीं दिया, ये गडरियों ने चरवाहों ने स्वर्गदूत देख लिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से स्वर्गदूत उनको दिखाई दिया, हालेलुया। क्यों स्वर्गदूत उनको दिखाई दिया, क्योंकि वो काम कर रहे थे, वो रात को अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, वो रात को काम करने वाले वेलियानु, मैं तुम्हें पहले भी सुनाया कि वेलियानु खुदा भी पसंद नहीं करता, है ना, बिल्कुल नहीं, खुदा बाइबल में देखो किसी को भी प्रभु ने चुना है, काम करते हुए उनको चुना है। पतरस मछली पकड़ रहा था, अलीशा हल चरा रहा था, उसको प्रभु ने पकड़ा, कोई बताइए कोई वेला जड़ खुदा ने छोड़ा है। जो मूसा है वो भेड़ बकरियां चरा रहा था अपने ससुर की, वो भेड़ बकरियां, दाऊद भेड़ बकरियां चरा रहा था, वेलियानु खुदा पसंद नहीं करता बिल्कुल, ये सोचो कि हाँ मजे में बैठे हुए हैं, सब कुछ खाने को मिल रहा है, बढ़िया है, कुछ काम कीजिए। जब अब थिस्सलुनीकियों की किताब में पढ़ेंगे, बाइबल कहती है जो काम नहीं करता उसको खाने का भी हक नहीं है, काम कीजिए, कोई ना कोई काम करते रहिए, जब आप काम करेंगे तो प्रभु आपके और ध्यान देता है। वो लोग काम कर रहे थे, लेकिन एक चीज और है जो मजेदार है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास काम है, लेकिन जब उन्होंने सुना कि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता पैदा हुआ, तो उन्होंने क्या किया, नहीं यार हाडे दे थे भेड़ा बकरियां वहां, अब हम इनको छोड़कर चले जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन जब खुदा का काम आया तो वो अपने काम को छोड़कर चले गए, हालेलुया। वो काम कर रहे थे, सबके पास काम है, आप सबके पास काम है, लेकिन मुझे पता है कि किस तरीके से आप एक महीने से अपना काम छोड़कर, जो बेटियां जो बहनें इधर आ रही थी, जो जवान बच्चे कलीसिया में आ रहे थे, अपना काम छोड़कर, जो प्रैक्टिस करवाने आ रही थी, क्या उनके पास काम नहीं है। हम सोचते मेरे पास काम है, मैंने काम करना है, सबके पास काम था, लेकिन जो अपना काम छोड़कर खुदा के लिए जाता है, खुदा उसको ब्लेस करता है, बरकत देता है। वो चरवाहों ने अपना काम छोड़ दिया, कोई बात नहीं अभी प्रभु को, क्या ये जो भाई बैठे हुए वेले हैं, उनके पास तो बिल्कुल काम नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है, माफी चाहता हूं, उनके पास काम इतना काम है कि उनके पास टाइम ही नहीं है, वो बीमार होते फिर भी उनको काम करना पड़ता है। मैं एक दिन गया था उनके पास, बीमार थे लेकिन उनको काम करना पड़ रहा, उनको बुखार था, क्यों रॉबर्ट भाई, सुख भाई आपके पास काम नहीं है, काम है, बहुत काम है,
लेकिन वो काम छोड़कर प्रभु के भवन में आए। आप सब लोग जो खुदा के भवन में आए हैं, आपके पास क्या काम नहीं है कोई? अपना काम छोड़कर खुदा के। लेकिन कई बार हम सोचते हैं, नहीं नहीं मेरे पास तो काम है नहीं, मैं तो भांडे मांजने मैं नहीं जा सकती चल जी, मैं तो जी मेरे पास तो बहुत काम है। अरे भैया, जो काम करने की हिम्मत दे रहा उसी के लिए हमारे पास काम टाइम नहीं है। तो प्रभु के लिए वो अपना काम छोड़कर चले गए। फिर क्या हुआ 18 आयत में लिखा, और सुनने वालों ने उन बातों पर जो उनसे कही थी आश्चर्य किया। हमने पढ़ लिया है, जो सुनने वाले थे वो बहुत खुश हो गए, हैरान हो गए उनकी बातों को सुनकर। 19 आयत में, परंतु मरियम ये बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। वो क्यों सोच रही? क्योंकि उसको पता था जो पैदा हुआ है वो कौन है। उसको पहले कहा गया था, उसको पता था कि जो पैदा हुआ है वो कौन है, इसलिए वो चुपचाप रही। 20 वचन ध्यान से सुनिए, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। लिखा, और गडरिए जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आखिरी बात है, ध्यान से सुनिए, जो गडरिए थे वो चरवाहे थे, जो लिखा जो उनसे कहा गया था वो सब कुछ सुनकर, सब कुछ, उन्होंने 90% नहीं सुना जो उनसे कहा गया था। कलीसिया में आप पाते हो, आप कितना वचन याद रखते हो, कितना आपको याद रहता है। लिखा वो सब सुनकर जैसा उनको कहा गया था, जैसा उनसे कहा गया था उन्होंने वैसा ही जाकर, बोलो क्या है, लिखा गडरिए जैसा उनसे कहा गया था वे सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए, जो उनसे कहा गया था। कितना कुछ बोलता हूं भाई, कर लो कर लो कर लो, कलीसिया में भी बोलता हूं, अपने परिवार में भी बोलता हूं, रिश्तेदारों को भी बोलता हूं, भाई ये कर लो ये कर लो ये कर लो। लेकिन लिखा जितना उनको कहा गया उन्होंने सब सुना, कुछ भी अनसुना नहीं किया। आप लोग कलीसिया में जो बैठे हुए हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कब बंद करेगा, अभी टाइम तो है, अभी है ना, थोड़ा सा लेट हो जाओ, घड़ी देखना शुरू कर देते हैं। उन्होंने सब कुछ सुना जो कुछ उनको कहा गया, और जो सुना है उन्होंने मिस नहीं किया कुछ। जब सब सुनने की बात है तो इसका मतलब उन्होंने कुछ भी मिस नहीं किया, उन्होंने सब सुना है। क्या आप सब सुनते हैं? ध्यान दो इधर, आमीन, क्या हो गया, हालेलुया हालेलुया। सब कुछ सुना उन्होंने, और फिर देखा जाके जो कुछ सुना उन्होंने, फिर उसके बाद क्या लिखा है, वो परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौटे हैं वापस। अब कलीसिया में आते हैं, करते हुए, करके नहीं, देखो बहुत अच्छा, ये मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है कि वो परमेश्वर की स्तुति करके नहीं लौटे, वो करते हुए लौटे हैं। जाते जाते भी प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। जब आप प्रभु के भवन में आते हैं, आते आते भी स्तुति करो। बाइबल कहती है उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, और उसकी हजूरी में जाके उसकी इबादत करो। और जब जाते हैं फिर भी स्तुति करते हुए लौटिए। वो स्तुति करने के लिए गए थे, वो प्रभु को दंडवत करने के लिए गए थे, गडरिए। हम पिछले संडे को देख रहे थे मंजूसियों के बारे में, उन्होंने भी जाके वर्शिप की थी। क्रिसमस जो है वो प्रभु की स्तुति करना है। सब लोगों ने प्रभु की स्तुति की क्रिसमस पे के टाइम पर। देखिए मंजूसियों ने प्रभु की वर्शिप की, फरिश्तों ने खुदा की स्तुति की, गडरियों ने खुदा की स्तुति की, जो हन्ना थी उसने प्रभु की स्तुति की, शैमूल ने खुदा की स्तुति की, अलिशबा ने खुदा की स्तुति की, मरियम ने खुदा की स्तुति की, सब लोग प्रभु की स्तुति कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो स्तुति करने की बजाय शराब पी के क्रिसमस मनाते हैं। नहीं हाडा देने है जी, हाडा बड़ा देने है भाई, तेरा बड़ा दिन कहा होया, तू दिन का मालिक है, हाडा बड़ा देने है। जो दिन का मालिक है उसकी वर्शिप करें, उसकी स्तुति करें। गडरियों के जीवन से हम सीख सकते हैं, वो चरवाहे थे, मामूली लोग थे, लेकिन वो पहरा दे रहे थे, अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, इसीलिए खुदा का कलाम उनके पास पहुंचा। और जब खुदा का कलाम उनके पास पहुंच गया
वो अपने भेड़ बकरियों को छोड़कर प्रभु के दर्शन के लिए चले गए। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, थोड़ा समय हम प्रभु की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया।